लाइट ग्रीन है लो, लाइट ग्रीन धरो, लाइट ग्रीन एलो अनस्टेन्ड सेल रहता है, जो स्टेन्ड सेल होता है, स्टेन्ड सेल होता है ये हमको पिंक दिखता है। अब हमने फॉर्मेशन की बात की, यहाँ साइज हुआ, ये कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है, कलर क्या हो गया इसका, और हम बात करेंगे इसका जो फंक्शन होता है, फंक्शन क्या होता है आरबीसी का, कैरी ओटू। बहुत सारा फंक्शन हो गया इसका, जो मेनली फंक्शन होता है ये हम जानेंगे कि ओटू ये कैरी करता है। डीपली में जाएंगे तो बहुत सारा इसका फंक्शन होता है। अगर जो हम सेप की बात करें, इसके सेप की बात करें तो ये बाइकॉनकेव शेप का होता है, बाइकॉन केव शेप का होता है ये बाइकॉनकेव शेप। अब हम यहाँ देखा आरबीसी, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स या एर्थ्रोसाइट, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम इसको एर्थ्रोसाइट बोलते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमने बताया बोन मैरो में होता है, साइज क्या होता है ये होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, स्प्लीन या लिवर में होता है, कलर क्या होता है, स्टेन्ड कलर कैसा दिखता है, अनस्टेन्ड कलर कैसा दिखता है, इसका फंक्शन क्या है, शेप क्या है। अभी ये आपका आरबीसी जो है कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे, कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारा खून, हमारा ब्लड जो है रेड क्यों होता है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, बोलते हैं रेड क्यों होता है, बहुत लोग पूछते हैं। तो हमारे आरबीसी में एक पिगमेंट होता है हेमोग्लोबिन, 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 हेमो प्लस ये बना है हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन, तो इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लीजिए। हीम ये एफ ही, इसको बोलते हैं टू प्लस, ये ग्लोबिन आपका ग्लोबुलर पार्ट होता है, तो हीम प्लस ग्लोबिन। अभी मैं थोड़ा इसको डीपली बताऊंगा। अब ये देखते हैं कि किसी कंडीशन में हम टेस्ट करवाने गए, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, भाई डॉक्टर ने कहा कि आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो हमारे दिमाग में आता है हीमोग्लोबिन कम हो गया तो हमें ये काज क्या कर सकता है, क्या दिक्कतें हमें हो सकती हैं। तो हीमोग्लोबिन का भी नॉर्मल रेंज होता है, एडल्ट में अलग होता है, अगर जो मेल एडल्ट है तो उसमें उसकी अलग वैल्यू होती है, फीमेल एडल्ट है, न्यू बॉर्न है, इन्फेंट है, या टू टू सिक्स मंथ का कोई बच्चा है, बेबी है, तो हर एंगल पे अलग अलग उसका रेंज होता है हीमोग्लोबिन का। अभी हीमोग्लोबिन अगर जो देखिए बढ़ भी जाता है तो डिजीज काज करता है, अगर जो डिक्रीज कंडीशन में है, इंक्रीज कंडीशन में है तो भी ये डिजीज काज करता है। हीमोग्लोबिन अगर जो कम हो गया तो एनीमिया हो जाता है, जॉइंटिस भी हो जाता है, बढ़ जाए या कम हो जाए जॉइंटिस भी हो जाता है। अभी एनीमिया हो गया, अब हम ये हमारे दिमाग में वो डॉक्टर डिफाइन करेगा कि कौन से टाइप का एनीमिया है। बहुत सारा एनीमिया होता है, सिडोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मैक्लोब्लास्टिक एनीमिया होता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होता है। तो हर एनीमिया में जैसे मान लीजिए कि हम आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं, तो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया में जो रेड ब्लड आरबीसी होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं, ऐसे नहीं, इनके साइज शेप में चेंजिंग हो जाता है। अब साइज शेप की अगर जो अकॉर्डिंग बात करें आरबीसी, तो भी कई टर्म होते हैं साइज और शेप के अकॉर्डिंग। तो बस हम यहाँ इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट अगर जो हम बात करते हैं तो आरबीसी के बाद हमारा आता है सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी,
सुनी हुई है। क्यों? ये नॉर्मल रेंज है, ये आप नोट कर लीजिएगा, आरबीसी का ये नॉर्मल रेंज है। अब हम बात करेंगे WBC का, WBC वाइट ब्लड सेल, या इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूक मतलब क्या होता है? ल्यूको मीन्स होता है व्हाइट और साइट मीन्स सेल होता है ये। सो हम इसके बारे में जानेंगे, WBC है क्या, इसका अदर नेम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं इसको, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ल्यूक मीन्स होता है व्हाइट और साइट मीन्स सेल्स मीन्स व्हाइट सेल्स, ये होता है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, फॉर्मेशन कहाँ होता है। फंक्शन इसका क्या है, लाइफ स्पेन क्या है इसका, अब ये देखिए WBC, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स या ल्यूकोसाइट या ल्यूक में यहां हमने बताया कि व्हाइट होता है, साइट मीन सेल होता है। फॉर्मेशन इसका भी बोन मैरो में ही होता है, बोन मैरो। फंक्शन इस फॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आया ना कहां होता है, इसका भी बोन मैरो में ही होता है। अगर जो हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका जो ये एंटीबॉडी का